हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। आज के वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं ट्राई के बारे में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि ट्राई के न्यू रूल आने के बाद से सभी लोगों का टीवी का बिल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। इससे रिलेटेड एक वीडियो आया है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं कि ट्राई पूरी कोशिश कर रहा है किस तरीके से कस्टमरों को अवेयरनेस करा के उनके टीवी बिल कम कराए। इससे जुड़ी पूरी खबर आपको मिलेगी इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अभी तक इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में बताता हूँ कि ट्राई नया पैतरा क्या अपना है। दोस्तों बता दूँ, कुछ दिन पहले ट्राई ने माना है कि ट्राई के न्यू रूल आने के बाद से कस्टमरों को काफ़ी ज़्यादा बिल इंक्रीज हो गया है। ट्राई के चेयरमैन ने भी इस बात को माना है। उसके बाद ट्राई फ्रेंड्स बता दूँ, ट्राई पूरी कोशिश कर रहा है कि कस्टमरों का बिल किस तरीके से कम किया जाए। ट्राई कुछ दिन पहले कुछ जिंगल भी लॉन्च करा, कुछ FM रेडियो पे भी उसने एडवर्टाइज करा, साथ ही उसने प्रेस रिलीज भी करा कि जो चैनल आप चाहते हैं उसी को सिलेक्ट करें। साथ ही दोस्तों ट्राई ने एक नया चीज़ अपनाया है जिसमें बताया जा रहा है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि प्राइवेट कंपनी से एयरटेल DTH जितने भी हैं अपने सब्सक्राइबरों को मैसेज भेजा करता है कि जो अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसी तरीके से ट्राई भी जो जो ऑपरेटरों का कुछ सब्सक्राइबरों को भी मैसेज आया है केबल TV एंड DTH के सब्सक्राइबरों को कि आप जो चैनल लेना चाहते हैं उसी चैनल को लें और उसी का भुगतान करें। और साथ ही ये भी बताया गया उस मैसेज में कि अगर आप कोई भी पैकेज और या अलाकाटे लेते हैं उसे आप जब चाहें तब ऐड और रिमूव कर सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेशन कस्टमरों के मोबाइल पे के द्वारा भी सूचित कर रहा है ताकि लोग अवेयर हो सके और उनके TV बिल कम हो सके। तो हमारे यहाँ पे एक सजेशन है फ्रेंड्स कि ट्राई कितनी भी कोशिश कर ले, इससे कस्टमर अवेयरनेस के साथ साथ जब तक टैक्स और चैनल का रेट डाउन नहीं होगा तब तक कुछ भी बिल पे कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कस्टमर आज के डेट में वही चैनल्स लेते हैं जो उनको देखना पसंद है। लेकिन अगर चाहते हैं कि अगर आपका बिल कम हो तो ट्राई को चाहिए कि NCF एडिशनल NCF और साथ ही GST का स्लैब जो 18% है उसे 5% के में लाया जाए, तभी कुछ बिल में इफेक्ट पड़ सकता है। ये ऐसा मेरा सजेशन है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।